हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एमसीक्यू सॉल्विंग की वो टेक्निक्स जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जो आपका समय का फाउंडेशन होता है उसे पूरी तरीके से फिनिश कर जाएंगी। यानी ट्रिक टू सॉल्व एमसीक्यू, एमसीक्यू सॉल्व करने के वो ट्रिक क्या है जिससे आप एग्जाम में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम कर पाए। साथ ही साथ में ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि आप सभी को पता है आज जो जमाना है ऑनलाइन एग्जाम का, जितने भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे एग्जाम का जो मोड है कहीं ना कहीं सीबीटी मोड है, जिसे हम ऑनलाइन एग्जाम बोलते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम कैसे करें, ये कुछ आज तरीके में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। कहने का मतलब है काफी स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम या फिर जब एग्जाम में बैठती है तो सिंपल सा एक ही डाउट रहता है स्टूडेंट का कि सर हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि जो उनको टाइम दिया है उस टाइम में वो पूरे पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन को अटेम करते हैं तो टाइम पहले ही खत्म हो जाता है, क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपके पास टाइम कम नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी टेक्निक आज आपके लिए लेके आया हूं जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो टाइम का फाउंडेशन खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ में जो क्वेश्चन का एक्यूरेसी रहेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। चलिए तो कुछ टेक्निक है, उन टेक्निक को आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि याद करके रख लेना है, साथ ही साथ में उन्हें अप्लाई भी करना है। अब अप्लाई कैसे करोगे ये मैं सारी चीज आपको विद एग्जांपल के साथ देके जाऊंगा। चलिए पहला पॉइंट है, पहली टेक्निक है क्वेश्चन रीड स्लोली, यानी क्वेश्चन को हमेशा आपको स्लोली और समझ समझ के पढ़ना है। ऐसा नहीं बिल्कुल स्लोली पढ़ो, नहीं, स्लोली का मतलब ऐसा है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन फास्टली नहीं पढ़ना कि पढ़ना फिर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन ऐसा पढ़ो कि एक बार में पढ़ने से समझ में आ जाए। और जब क्वेश्चन रीडिंग की बात आ गई तो एक चीज हमेशा स्टूडेंट को परेशान करती है कि जैसे सपोज दैट हम हिंदी मीडियम से हैं और हमने हिंदी को लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली एग्जाम में, तो क्या सर अगर समझ में नहीं आया तो उसे इंग्लिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को और किसी भी समय आप किसी भी लैंग्वेज में स्विच करा सकते हो, कभी भी जब आपका मन करे तब आप लैंग्वेज को स्विच कर लें। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप जिस मीडियम से हैं उसी मीडियम में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, आप जिसमें कंफर्ट हो उसी को सेलेक्ट करें। जैसे आप इंग्लिश मीडियम से, सपोज दैट आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। और हाँ, कोई क्वेश्चन अगर किसी भी लैंग्वेज में परेशान कर रहा है ना, उसे तुरंत लैंग्वेज स्विच कर लो, जिससे लैंग्वेज तुरंत स्विच करते ही हमें ऑब्जेक्ट जो क्वेश्चन के टर्म है वो आइडेंटिफाई आराम से हो जाती है। तो पहली टेक्निक है कि हमेशा क्वेश्चन को फास्ट नहीं पढ़ना है, स्लोली पढ़ना, जिससे एक बार में पढ़ने से क्वेश्चन समझ में आ जाए। फास्ट पढ़ोगे तो दो बार पढ़ोगे तो टाइम डबल जाएगा, अगर एक बार पढ़ोगे आराम से पढ़ोगे तो हो सकता है फास्ट से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे पहली बार में, लेकिन जब दो बार पढ़ रहे हो फास्ट उससे तो कम ही लगेगा, ये बात कंफर्म है। सेकंड पॉइंट हमारा, नेवर फॉलो सीक्वेंस, यानी हमेशा आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। जैसे आपके एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन किसी न किसी सब्जेक्ट के तो होंगे, पूरा एक ही सब्जेक्ट का तो है नहीं, तो चॉइस आपकी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को पहले उठा लो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लू सीपीसीडी एग्जाम, तो सीपीसीडी एग्जाम आपका 75 मार्क्स का आता है, तो 75 में आपका कंप्यूटर रहता है, मैथ्स रीजनिंग जीएस और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। अब जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, जरूरी नहीं आप कंप्यूटर उठाओ पहले, आप मैंने मैथ्स उठा लो, आप रीजनिंग उठा लो, आप जीएस उठा लो, जो आपको अच्छा लगे आप वो सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे आपने किसी पेपर का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो जरूरी नहीं है कि दूसरा ही आपको करना है, आप जो सीक्वेंस फॉलो करोगे वही होगा। और एक ये भी कंडीशन है कि पहला क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो जरूरी नहीं दूसरा भी सही हो जाए, हो सकता है वो भी गलत हो जाए। तो उसके लिए सही और गलत कैसे डिफाइन होगा, ये होगा हमारा टेक्निक नंबर 3 से। टेक्निक क्या है, यानी क्वेश्चंस अटेम्प्ट इन 2 स्टेज, यानी हमेशा क्वेश्चन को 2 से 3 स्टेज में अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर क्वेश्चन की मैं बात करूं पेपर अगर आप लेगो तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे सीपीसीडी एग्जाम है, जरूरी नहीं कि पूरे पेपर को पहले अटेम्प्ट ही आपको सेलेक्ट करना है, नहीं, आपने कोई क्वेश्चन रीड किया आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, 1% का भी डाउट है, मेरा मानना तो यह है कि अगर 1% का भी डाउट है तुरंत उस क्वेश्चन को सेकेंड साइकिल में या सेकेंड स्टेज में रख दीजिए, पहली स्टेज में उस क्वेश्चन के साथ डीलिंग ना करें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो टाइम का तो फाउंडेशन आपके पास नहीं रहेगा,
साथ ही साथ में आपका जो क्वेश्चन का एक्यूरेसी होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और एग्जाम को सबमिट करने से पहले आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब है कि पहला क्वेश्चन आपने रीड किया, अगर आपसे नहीं आ रहा तुरंत सेकंड स्टेज में डालो, फिर सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर नहीं आ रहा तुरंत सेकंड स्टेज में डालो। अब आप सोचेंगे कि सर सेकंड स्टेज में हम डालेंगे कैसे, और हम क्या पता कैसे करेंगे कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने सेकंड स्टेज में रखा है। तो सेकंड स्टेज में रखने का मतलब है मार्क रिव्यू। मार्क रिव्यू अगर आपने कर दिया जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो, तो इस प्रकार से कलर का हमेशा आपने कॉम्बिनेशन इन सेक्शन में ही देखा होगा कि ये कलर मोड होता है। अगर आपने इन कलर का खेल समझ लिया तो ये समझना कि आपकी जैसे कलरफुल जिंदगी हमेशा खुशहाल होती है, ऐसे इन कलर का अगर आपने एग्जाम में यूज कर लिया तो आपका पेपर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। अब इन कलर को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे अगर आप कलर देख पा रहे हो, कलर कौन सा है, जैसे सर ये ग्रीन है, ये आपका रेड है, ये व्हाइट है, दो पर्पल कलर है, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द केस में यही कलर आते हैं। आप किसी भी एक ऑनलाइन एग्जाम को देख लीजिए। चलिए, ग्रीन का मतलब क्या है, यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया है। दूसरा रेड है, रेड का मतलब है आपने अटेम्प्ट तो किया लेकिन आंसर नहीं किया। तीसरा है व्हाइट, इसका मतलब क्या है, आपने विजिट ही नहीं, क्वेश्चन पर आप गए नहीं हो। और लास्ट हमारा फोर्थ है जिसका नाम है पर्पल कलर। पर्पल में हमें दो ऑप्शन है मार्क रिव्यू। अब ये दोनों कलर का मोड क्या डिफाइन कर रहे हैं, जैसे अगर आप मार्क रिव्यू की इसकी बात करें, ये मार्क रिव्यू है, इसमें हम पर्पल कलर में हमारा टिक लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि हमेशा क्वेश्चन में दो टाइप से डाउट रहता है, दो टाइप से रहता है। जैसे हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, लेकिन दो ऑप्शन में कंफ्यूजन के लिए मार्क रिव्यू में आप दो स्टेज में डाल सकते हो। एक तो उस पर आंसर करके मार्क रिव्यू लगा सकते हो कि इस आंसर को मुझे बाद में चेक करना है, या फिर क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तुरंत मार्क रिव्यू कर दो, उसे बाद में देखेंगे। तो कहने का मतलब है जब आपका पेपर पूरा पेपर हो जाएगा तो जिन क्वेश्चन का कलर आपका ये पर्पल होगा आप उन्हीं पर कर्सर से क्लिक करोगे, बाकी जिनका ग्रीन है उन्हें ऑलरेडी आप आंसर्ड कर चुके हो, उन्हें चेक करने की जरूरत क्या है। और साथ ही साथ में एक चीज यहीं से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पेपर सबमिट से पहले आपको रिजल्ट खुद पता चल जाता है, वो यहीं से पता चलता है, कहां से, आंसर्ड। ये जो ग्रीन है ना, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर नंबर लिखा है, नंबर क्या है, दो लिखा है। दो का मतलब है कि आपने दो क्वेश्चन पर आंसर्ड किया है। तो यहां से एक चीज हाईलाइट हो जाती है कि जब पहली स्टेज को आप फॉलो करते हैं तो जितने ज्यादा ग्रीन होंगे, मतलब जितनी ज्यादा ग्रीन की काउंटिंग होगी उतने चांसेस, जैसे आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 40 ग्रीन है, बाकी मार्क रिव्यू में डाल दिए, तो मतलब 40 में आप श्योर हैं कि आंसर यही होगा, एक आध क्वेश्चन गड़बड़, तो आप क्वालिफाइंग स्टेज पर अपने आप को मान सकते हैं। और मार्क रिव्यू ज्यादा किए तो मार्क रिव्यू देख लेना, ठीक है ना। तो फाइनली आपको कलर मोड समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जब हम कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता तो उस क्वेश्चन को हम सेकंड स्टेज में रखते हैं। सेकंड स्टेज मतलब सेकंड साइकिल। सेकंड साइकिल में रखने के दो तरीके हैं, या तो उसे आंसर्ड करके मार्क रिव्यू कर दो, या फिर विदाउट आंसर मार्क रिव्यू कर दो। इससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे पहले स्टेज में, उन्हें बाद में आप देख लोगे। तो पहले कहने का मतलब स्टार्टिंग में सपोज टफ क्वेश्चन हुए, लास्ट में सरल हुए, तो कम से कम उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर सकते हो, और जिस क्वेश्चन पर जितना टाइम एक्चुअली में देना चाहिए आप उतना ही टाइम दोगे, क्लियर। तो फाइनली फिर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपने पेपर को सेकेंड स्टेज, या फिर सीपीसी एग्जाम की मैं बात करूं टू स्टेज में डालोगे चलेगा, लेकिन बाकी अगर आप कोई भी एग्जाम दो, एएसआई, पटवारी, हाई कोर्ट, इन एग्जाम में अगर आप तीन स्टेज का भी यूज करोगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। बाकी सीपीसीडी पेपर को कैसे डिवाइड करोगे ये मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, जब इन सारी टेक्निक को हम फॉलो कर लेंगे। फोर्थ टेक्निक है हमारी एलिमिनेशन मेथड। ये वो टेक्निक है जिससे ना आते हुए क्वेश्चन भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम दो पॉइंट का यूज करते हैं। पहला पॉइंट होता है रिमूव ऑफसेट ऑप्शन, यानी ऐसा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए जो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेट बिल्कुल भी नहीं करता। जैसे आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर से कोई क्वेश्चन आया और कोई ऐसा ऑप्शन जो प्रिंटर है ही नहीं, तो यानी आप ऑफसेट ऑप्शन को आराम से रिमूव कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेट दूर दूर तक संबंध बिल्कुल भी नहीं है। यानी ऐसा ऑप्शन जिसका क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है उस ऑप्शन को आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑल ऑफ दी अबव नन ऑफ दीज। ये कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं, ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द केस में या तो एलिमिनेट हो जाएंगे या फिर आंसर दे जाएगा। जैसे नन ऑफ दीज की अगर मैं बात करूं, नन ऑफ दीज के केस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केस में इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं,
कि ये आंसर नहीं होता। और अगर ऑल ऑफ दी अबव की मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द केस में ये आंसर केस में चला जाता है, क्योंकि पहला ऑप्शन पढ़ा अगर सही है, दूसरा भी सही है, तो आप सीधा आंसर लगा सकते हो ऑल ऑफ दी अबव। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि एलिमिनेशन मेथड में मोस्ट ऑफ द केस में दो पॉइंट अगर फॉलो करोगे तो आपका एलिमिनेशन मेथड भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। लास्ट टेक्निक हमारी फिफ्थ, जिसका नाम है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, यानी ऐसा ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए जो ज्यादातर हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। कहने का मतलब है जो फिफ्थ है ये है आपका तुक्का। आपने पढ़ा होगा कि अक्सर ट्रिक क्या है सॉल्व करने की, तो मोस्ट ऑफ द केस में लोग तुक्का यूज करते हैं। तो तुक्का में क्या करते हैं, कभी कभी जय बजरंग बली, जय माता दी, अब जो गिरा है वो थोड़े चलेगा, यानी मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन जो आपको लगे। जैसे चार ऑप्शन, चार क्वेश्चन है, तो चार क्वेश्चन में आपने तुक्का लगाना है, तो चारों में एक ही ऑप्शन लगा दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, ना कि आप अलग अलग लगाओगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। और मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन में अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके जाते हो तो कम से कम दो ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम आप अटेम्प्ट करें, मोस्ट ऑफ द केस में दो ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर जाएंगे। अब चार क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में चार ऑप्शन पर आपको तुक्का लगाना है, तो सही होने का चांस 25% है। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड को लगाया तो 50% चांस बन गया, तो कहीं ना कहीं चांस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है स्मार्ट स्टडी। सर ये क्या फंडा है? स्मार्ट स्टडी का फंडा ये है कि आपको जब क्वेश्चन है, जब कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम से रिलेटेड आपको सही टेक्निक होना जरूरी है। यानी ये तो क्वेश्चन अटेम करने का तरीका है, लेकिन अटेम तो तब करोगे ना जब आपको उस एग्जाम के बारे में पूरी नॉलेज होगी। नॉलेज कैसे? कि उसमें कितना क्वेश्चन का मतलब कौन से सब्जेक्ट कितना वेटेज है, साथ ही साथ में उस सब्जेक्ट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये अगर पता होगा तो कहीं ना कहीं आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में उतना ही टाइम दोगे जितना एग्जाम में जरूरी होता है। मतलब कोई ऐसा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं जिसके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, पर ऐसे टॉपिक पर आप टाइम ही नहीं दे रहे जिसके मोर देन क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने छह टेक्निक आपके साथ डिस्कस की। पहला टेक्निक थी क्वेश्चन रीड स्लोली, यानी क्वेश्चन को हमेशा आराम से पढ़ना चाहिए, कभी भी सीक्वेंस फॉलो ना करें, साथ ही साथ अपने पेपर को स्टेज में डिवाइड करें। यानी क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन पहली बार में पढ़ते ही आपसे सॉल्व हो जाए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो इंसान तो छोड़ो, भगवान झुक जाता है। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप सम्मान दे दो कि भाई हम तेरे से डर गए, हम तुझे बाद में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो डर जाएगा, झुक जाएगा आपके लिए। देख लेना, अगर आपने ऐसा किया तो मोस्ट ऑफ द केस में सेकंड स्टेज में क्वेश्चन आपका सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर किसी क्वेश्चन पर आपने आंसर कर दिया है, मतलब आंसर टिक कर दिया, अगर वापस से उन्हें देखना स्टार्ट करोगे तो हमारा ऑप्शन चेंज होने का मन करता है। तो ऑप्शन चेंज करोगे तो मोस्ट ऑफ द केस में आपने पहले किसी क्वेश्चन का आंसर जो लगाया था, बाद में अगर आपने चेंज करके लगाया वो अक्सर गलत हो जाता है। तो ऐसा ना करें, पहली बार में जो बाढ़ निकला है ना वही सत्य है, उसी को सत्य मान के आगे बढ़ना है। फोर्थ मेथड था हमारा एलिमिनेशन, यानी मोस्ट ऑफ द केस में ऑप्शन के साथ डीलिंग करिए, और ऑप्शन के साथ अगर आप डीलिंग करना सीख गए तो ना आते हुए क्वेश्चन भी या फिर ना पढ़े हुए टॉपिक के क्वेश्चन भी आप आराम से कर जाओगे। मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन में हमने देखा तुक्का कैसे लगाते हैं, और लास्ट है स्मार्ट स्टडी, यानी सॉल्व करने से पहले हमें पूरी तरीके से स्टडी का पैटर्न भी समझना होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और हमारा स्टडी पैटर्न क्या है। हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न पढ़ रहे हैं या आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द पैटर्न पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है। अब मैं लेता हूं जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अब जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो किसी भी एग्जाम का मेरा पर्सनल मानना यह है कि ऑनलाइन जब सीबीटी मोड का एग्जाम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी आप सीबीटी मोड में ही कर दीजिए, क्योंकि अगर आप पीडीएफ और हार्ड कॉपी में प्रैक्टिस करोगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी, और उस फीलिंग को आप टॉपिक वाइज से कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट पेपर से प्रैक्टिस करें, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का पीडीएफ में क्वेश्चन करना एक्स्ट्रा कर लीजिए, लेकिन कम से कम क्विज में जरूर करिए। क्विज का मतलब क्या होता है? क्विज वो मेथड होता है जिससे आप पर्टिकुलर एग्जाम वाली फीलिंग पहले ही ले आते हो। ये टॉपिक है, अगर आप टॉपिक में वही फीलिंग ले आए
तो फाइनली जब टॉपिक आपके अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एग्जाम भी अच्छा होगा। अगर मैं आपके सीपीसेट एग्जाम की बात करूं तो सीपीसेट एग्जाम में हर टॉपिक के मैंने आपको कंप्यूटर के क्विज दे रखे हैं। तो कहने का मतलब जब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को आप पहली बार में अटेम्प्ट करने का प्रयास ना करें, यानी जो टेक्निक मैंने यहाँ पे बताई है वो कंप्लीट पेपर में तो अप्लाई होंगी, साथ ही साथ में टॉपिक वाइज क्विज में भी होती है। लेकिन कुछ लोग टॉपिक वाइज क्विज में नहीं करते, वो सिक्वेंस वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जो की गलत है। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सेकेंड स्टेज में डिवाइड करना स्टार्ट करिए, और टाइम मोस्ट ऑफ द केस में जितने भी स्टूडेंट मुझे क्विज भेजते हैं या क्विज का रिजल्ट भेजते हैं, मैंने जैसे सपोज 25 क्वेश्चन का आपको क्विज दिया, तो 25 क्वेश्चन में वो दो मतलब मान के चलिए 10 से 12 मिनट में पूरा क्विज सॉल्व कर देते हैं। अरे भाई, जब हर क्वेश्चन के लिए एक मिनट आपको दिया गया है तो पूरा टाइम लीजिए ना, पूरा टाइम लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे सीरियस नहीं लोगे तो एग्जाम में भी सीरियसनेस नहीं आएगी। और साथ ही साथ में अगर आपको बताओ तो इस बार हमने एक नया फीचर्स भी ऐड किया है। अभी तक आपको टॉपिक वाइज में कंप्यूटर के सारे टॉपिक का टॉपिक वाइज क्विज मिलता था, लेकिन इस बार हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ पैसेज भी आपको एज अ क्विज में देंगे, जिससे आप कम से कम मैथ्स और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करके जाओगे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न से। अभी तक आप पीडीएफ में रहते थे, लेकिन आपको क्विज में भी मिलेगा, जिससे हर टॉपिक के आप क्विज में करके जाओगे, चाहे तो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जो भी टॉपिक हो। जीएस पर टच बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे इस बार। आगे है नेक्स्ट पेपर सीपीसीटी पेपर। अब सीपीसीटी पेपर की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द केस में जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सारे सीपीसीटी एग्जाम के 90% सीपीसीटी एग्जाम देने जा रहे हैं। अब सीपीसीटी एग्जाम में आप सभी को पता है कि हमारे एग्जाम में 5 सेक्शन आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि सर सबसे पहले हम किस सिक्वेंस को फॉलो करें। यानी सीपीसीटी पेपर मैंने एग्जाम में एग्जाम्पल में क्यों लिया है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि आप सिक्वेंस कैसे फॉलो करें। तो सबसे पहले तो आप कंप्यूटर सेक्शन को उठाएं, और कंप्यूटर सेक्शन के बाद आप जीएस उठाएं। इसका फायदा क्या है, क्योंकि कंप्यूटर में आपके 52 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने सेकंड स्टेज में डालना स्टार्ट किया तो लगभग आपके पास 35 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। रियल आप अगर ऐसी चीज फॉलो मतलब इस चीज को फॉलो करेंगे तो 35 से ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सेकंड स्टेज में जाएंगे, और सारे क्वेश्चन जब 35 से 40 मिनट में आपके सारा मतलब कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गए तो कंप्यूटर में आपने लगभग 10 से 12 मिनट बचा ली, 10 से 12 मिनट बचा ली। तो जीएस का क्या फंडा है, जीएस में 6 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 मिनट में ही हो जाता है, तो 3 मिनट यहाँ पे बची, तो लगभग 15 मिनट आपने सेव कर ली अपने पास। अगर क्वांटिटेटिव और रीजनिंग की बात करें तो क्वांटिटेटिव पहले अटेम्प्ट कर लो, अब क्वांटिटेटिव में 6 आते हैं, जरूरी नहीं 6 क्वेश्चन आपके पहले ही बन जाए, 6 में से 2 जिनका मैथ्स कमजोर है वो 2 पहले बना लेंगे, तो बाकी 4 को सेकंड स्टेज में रखो। इसी प्रकार रीजनिंग फॉलो करो, यानी हर सेक्शन को सेकंड स्टेज में मिनिमम आपको डिवाइड करना है। क्वेश्चन पढ़ो नहीं आ रहा है मार्क रिव्यू करो, क्वेश्चन पढ़ो नहीं आ रहा है मार्क रिव्यू करते जाओ, देखते कितने क्वेश्चन नहीं बनते। अब जितने बन रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ मेरा पेपर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। जैसे आपने कंप्यूटर सेक्शन अटेम किया, कंप्यूटर सेक्शन मेरा मानना 40 क्वेश्चन अटेम हो जाते हैं, अगर आपके 25 क्वेश्चन अटेम हो रहे हैं तो मतलब आपको 15 क्वेश्चन और चाहिए, तो आपका माइंड कम से कम 15 पे चलेगा कि मुझे 15 नंबर और चाहिए। अगर आप पहली बार में मतलब जब आपने कोई कंप्यूटर क्वेश्चन पढ़ा, अगर पढ़ती आपको नहीं आ रहा है यहीं पे तुक्का लगा दिया, गलत कर दिया आपने, इवन आपने गलत रास्ता अपना लिया है, अगर आप पहले स्टेज में ही तुक्का लगा दोगे तो आप फंस गए, आपको एग्जाम सबमिट से करने से पहले रिजल्ट नहीं पता चलेगा, आप अपने आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि रिजल्ट मुझे बताने से कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को बताइए। क्वेश्चन नहीं आ रहा ना छोड़ दो भाई, छूट जाएगा वो आगे कर लेंगे, लेकिन हम पेपर छोड़ने की बात थोड़ी कर रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ने की बात कर रहे हैं जो आगे हमें करने के लिए मिलेगा। इवन आप पहले उनको करिए जो आ रहे हैं 100%, तो कब बिल्कुल ना लगाएं पहले स्टेज में। अगर आपने लगा लिया तो कहीं ना कहीं मेरी बात को फॉलो नहीं किया है, फिर एग्जाम ना निकले तो मुझसे मत कहना, क्योंकि मैं जो चीज बता रहा हूं उसे अगर आप फॉलो ही नहीं कर रहे तो एग्जाम में मैं कैसे बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम निकल सकता है। और अगर आपने ऐसा किया तो रियल में जो रिपोर्ट आप मुझे भेजोगे, अगर मैंने बोल दिया एग्जाम क्वालिफाई होगा मतलब होगा, फिर आपका एग्जाम कोई भी डिस्क्वालिफाई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं जो मेथड बताता हूं अगर उस मेथड से आप चलते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में होता क्या है, क्योंकि एग्जाम हम जो स्टडी वही करें जो एग्जाम में आना है, तो जब स्टडी वही करें जो एग्जाम आना है तो प्रैक्टिस भी वही की जा रही है जो एग्जाम आना है। जब प्रैक्टिस में आपने गलत मेथड यूज किया तो एग्जाम में कैसे आप सोच सकते हो आपका एग्जाम निकल सकता है।
तो कहीं ना कहीं गलत है। अब गलत है तो गलत चीज को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट नहीं करोगे फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरा तरीके से समझ में आया होगा कि आपको कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम करना है। एमसीक्यू अटेम करने की जो टेक्निक है इनको टॉपिक वाइज से स्टार्ट करिए। अभी टॉपिक वाइज चल रहा है, जब कंप्लीट पेपर आएगा तो मैं फिर बता दूंगा, लेकिन आपको इसी प्रकार से सारी चीजें फॉलो करनी है। जब मॉक टेस्ट आएगा तो मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करना, अभी टॉपिक वाइज है टॉपिक वाइज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।